हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी नोट टीवी। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी दिवाली, धनतेरस, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा तथा भैया दूज की डेट। ये सभी फेस्टिवल कब हैं, इसकी पूजा के क्या मुहूर्त हैं और तिथि क्या हैं, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, दशहरा के बाद लोगों को अब दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव का बेसब्री से इंतजार है। दशहरे के बाद दिवाली भारत में एक बड़ा त्यौहार है। जानकारी के लिए बता दें कि दिवाली सिर्फ एक दिन का नहीं होती, यह 5 दिनों का त्यौहार होता है। इसमें हर दिन कुछ नया होता है। दिवाली का त्यौहार कार्तिक अमावस्या को होता है, लेकिन इसका प्रारंभिक कार्तिक द्वादशी को गौ उत्सव द्वादशी से होता है। दिवाली का समापन 5वें दिन भैया दूज या यम द्वितीय से होता है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा, भैया दूज कब है, इसकी सही तिथियां क्या है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हैप्पी नो टीवी को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हैप्पी नोट टीवी को और प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, दिवाली का पहला दिन गौ उत्सव द्वादशी होती है। दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को पड़ने वाली गौ उत्सव द्वादशी से प्रारंभ होती है। गौ उत्सव द्वादशी दिवाली का पहला दिन होता है। इस बार गौ उत्सव द्वादशी 12 नवंबर दिन गुरुवार को है। कार्तिक कृष्ण द्वादशी तिथि का प्रारंभ 11 नवंबर को देर रात 12:40 से हो रहा है, जो 12 नवंबर को रात 9:30 तक रहेगा। गौ उत्सव द्वादशी के दिन पूजा का मुहूर्त शाम को 5:29 से रात 8:07 तक है। इस दिन गौवंश की पूजा होती है। फ्रेंड्स, जितने भी मैं आप लोगों को टाइम और पूजा मुहूर्त की तिथि जो भी है, सभी जो मैं बता रही हूँ, मैं आप सबको स्क्रीन पे मेंशन कर दे रही हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी देख लें। दिवाली का दूसरा दिन धनतेरस का होता है। दिवाली का दूसरा दिन धनतेरस, इसे धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को होती है। इस साल धनतेरस 13 नवंबर दिन शुक्रवार को है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर को रात 9:30 से हो रहा है, जो 13 नवंबर को शाम 5:59 तक है। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:28 से शाम 5:59 तक है। इस दिन दीपम भी होता है। यमराज के लिए घर के बाहर एक दीपक जलाया जाता है। दिवाली का तीसरा दिन नरक चतुर्दशी तथा लक्ष्मी पूजा होती है।
दिवाली का तीसरा दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली नरक चतुर्दशी होती है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चतुर्दशी तिथि तथा अमावस्या तिथि कई बार एक दिन ही पड़ जाती है। दिवाली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन लक्ष्मी पूजा होती है। इस बार नरक चतुर्दशी तथा लक्ष्मी पूजा अर्थात दिवाली एक ही तारीख 14 नवंबर को है। नरक चतुर्दशी कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को प्रारंभ 13 नवंबर को शाम 5:59 से हो रहा है, जो 14 नवंबर को दोपहर 2:17 तक है। ऐसे में नरक चतुर्दशी 14 नवंबर को दोपहर 2:17 तक रहेगी। दिवाली या लक्ष्मी पूजा कार्तिक मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर को दोपहर 2:17 से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समापन 15 नवंबर को सुबह 10:36 तक होगा। ऐसे में दिवाली की लक्ष्मी पूजा 14 नवंबर को होगी। आइए जानते हैं दिवाली का चौथा दिन। दिवाली का चौथा दिन गोवर्धन पूजा होता है, जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है। दिवाली का चौथा दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट होता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होता है। इस वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आरंभ 15 नवंबर को सुबह 10:36 से हो रहा है, जो 16 नवंबर को सुबह 7:06 तक है। गोवर्धन पूजा 15 नवंबर को है। गोवर्धन पूजा का मुहूर्त दोपहर में 3:19 से शाम को 5:27 तक है। दिवाली का पांचवा दिन होता है भैया दूज। भैया दूज दिवाली का पांचवा दिन होता है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होती है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीय तिथि का प्रारंभ 16 नवंबर को सुबह 7:06 से हो रहा है, जो 17 नवंबर को 3:56 तक है। ऐसे में इस साल भैया दूज 16 नवंबर को मनाई जाएगी। भैया दूज का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से दोपहर 3:18 तक रहेगी। आई होप आप लोगों को दिवाली, धनतेरस, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की सारी जानकारियाँ मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी सही टाइम का पता चल सके। धन्यवाद।